मनुष्य के लिए पहला धर्म यही है, मनुष्य के लिए पहले उपदेश यही है कि वे अनंत अच्युत है, अजय और नित्य है, वह सनातन और सार्वभौम है, वह शाश्वत और सर्वथा है, सर्वदा है। इस सत्य को उद्घाटित कर ले, उसे कुछ और नहीं जानना है, अपने अर्थ उजागर करने हैं, उसे कुछ और नहीं पाना है, अपनी सत्यता को उपलब्ध होना है, अपनी सत्यता को अनुभूत होना है। उसे कुछ और नहीं चाहिए, उसे स्वयं को उपलब्ध होना है, आत्मोपलब्धि। आत्मोपलब्धि के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद, जब उसका अनुभव ब्रह्म बन जाए, ब्रह्ममय है वह, ये बन जाए, उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाए अथवा भगवदाकार हो जाए, यही उसके लिए उपदेश है। उसे कुछ और नहीं प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति ही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए भगवत प्राप्ति, ईश्वरोपलब्ध होना, भगवदोपलब्ध होना उसका पहला धर्म है, और इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ पदार्थ अर्जित करना नहीं है, पुरुषार्थ की परिभाषा प्रकृति को प्राप्त करना नहीं है, पदार्थों को प्राप्त करना नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ है परमात्मा को उपलब्ध करना, ईश्वरोपलब्ध होना। परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ नहीं बताई है, कहीं ईश्वर की प्राप्ति को दुर्लभ नहीं कहा है, बस वही सहज और सुलभ है, बाकी सब कठिन है, दुष्कर है, दुष्प्राप्य है, अप्राप्य है। ये बात अचंभित करती है शास्त्रों की, ये बात विस्मित करती है, इसे पढ़कर सुनकर और समझकर बड़ा विस्मय होता है, कुतूहल होता है कि संसार को पाना ही बहुत कठिन है, ईश्वर को पाना सरल है। क्योंकि संसार है प्रपंच, और प्रपंच का कोई अंत नहीं है, प्रपंच एक जैसा नहीं है, जिसे आप पाना चाहते हैं वो कुछ पल भर में बदल जाता है। जैसे कि आप किसी नदिया में डुबकी लगाएं, तो जहां आप डुबकी लगा रहे हैं, जिस जल में डुबकी लगाते लगाते, डुबकी लगाकर निकलते निकलते जल तो बह गया, वो जल पता नहीं कब सरक गया सागर की ओर। आपकी दूसरी तीसरी चौथी डुबकी में भी वो जल आपके पास नहीं होता, बहता रहता है। जिसे आप पाना चाहते हैं वो बहुत कठिन है। जिस सुख के आशय में आप आशान्वित हैं, जिसे आपने बड़ा माना है, जिसमें आपने बड़े मूल्य स्थापित किए हैं, महिमा, जिस जगत को आप महिमान्वित मानकर, मूल्यवान मानकर, बहुत बड़ा मानकर, दुर्लभ मानकर, जिसको पाने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, वो जगत प्रपंच है, वो एक रस नहीं है, एक जैसा नहीं है, उसमें सुख स्थिर नहीं है,
उसमें संपन्नता वैसी नहीं है जैसी हमने मान रखी है, हमने कुछ अधिक मान लिया है उसे, अधिक मूल्यवान, अधिक महिमानवत, उसकी बड़ी महिमा हमने गढ़ दी है अपने भीतर, वो इतने मूल्य का नहीं है, वो इतना महान, इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना दिव्य, इतना सुंदर। उसे पालने के बाद कोई बहुत संपन्नता आएगी ये कहना कठिन है, सारे पदार्थों को पालने के बाद प्रसन्नता आएगी ये कहना कठिन है, क्योंकि प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, चिंतन सापेक्ष है, विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है। प्रसन्नता की जननी ज्ञान है, आनंद की जननी ज्ञान है, आनंद की जननी वस्तु में नहीं है। प्रसन्नता पदार्थों से प्राप्त नहीं होगी, जगत बहुत कठिन है, दुर्लभ है, इसे पालना बहुत दुर्लभ है, यहां के सम्मान को बनाए रखना, यहां की सारी वस्तुओं के साथ संतुलन बना के रखना, यहां के सारे संबंधियों के साथ अनुकूलताएं बना के रखना कि कोई संबंधी प्रतिकूल न हो जाए, कोई वस्तु छिन न जाए, यहां के सारे आकर्षण ज्यों के त्यों रखना बहुत कठिन है। एक फूल के आकर्षण को कितना देर तक रखें, फूल को संभाल कर, उसके लिए अनुकूल वातावरण रखने पर भी वो कुमला जाएगा, मुरझा जाएगा, उसकी सौरभ्यता सौरस्यता चली जाएगी, उसके मकरंद में, गंध में, सुगंध में, उसके भीतर छुपे मधु मधुरता में, सुकोमलता में ह्रास होगा। शनि 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 धीरे 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 उसमें ह्रास होगा। जगत में कभी वृद्धि नहीं होती, जगत वृद्धि कारक नहीं है, ये भ्रम है हमारा, जगत तो ह्रास की ओर है, जगत में ह्रास है, वृद्धि नहीं है। आप में ह्रास हो रहा है, आपके शरीर में, जगत में, ये ह्रास की ओर है, दिखता है कि विकास की ओर है, नहीं नहीं, इसे जो पाना बहुत दुर्लभ है वो जगत ही है।